मैं आप सभी का हुजूर्स किचन में स्वागत करती हूँ। आज की जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी वो है राजस्थान की बहुत ही स्पेशल सब्जी, जो बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और बहुत ही टेस्टी भी लगती है। आज हम राजस्थानी स्टाइल पापड़ की सब्जी बनाएंगे, जो कि बहुत सिंपल, बहुत आसान और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। और आपके घर में अगर कोई सब्जी ना हो तो आप इसको जरूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी भी बनती है। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी रेसिपी देखते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन है उसे क्लिक करें जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए हम सबसे पहले अपनी रेसिपी देखते हैं कि ये हमने कैसे बनाई है। इसके लिए कढ़ाई लेंगे, इसमें हम 2 चम्मच तेल गरम करेंगे, कोई सा भी तेल ले सकते हैं आप। तेल जब अच्छा गरम हो जाएगा तब हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, 2 साबुत लाल मिर्च डालेंगे सूखी हुई, और 1/4 चम्मच हींग डालेंगे हम इसमें। जब इसका अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसमें हम 1/2 कटोरी जितनी पानी डालेंगे। फिर हम 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे पानी में, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। फिर हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। ये सब डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे। हमने पानी डाल के इसलिए मसाला डाला जिससे हमारा मसाला जले नहीं और बहुत अच्छे से भुन जाए। ये बहुत ही टिपिकल राजस्थानी तरीका है सब्जी बनाने का। इसमें हम 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, जो कि ऑप्शनल है, आपको तीखा पसंद हो तभी डालें आप। और हम इस मसाले को लो हीट पे अच्छे से भून लेंगे जब तक इस मसाले से तेल अलग नहीं हो जाता। ये देखिए ये मसाला भुनने लगा है, आप देख सकते हैं कि इसमें मसाले में जाली बनने लगी है। इसका मतलब है कि हमारा मसाला भुनने लगा है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। हम इसमें पानी डालेंगे लगभग 2 कप और इसको अच्छे से उबाल दे देंगे। जब इसमें अच्छे से उबल जाएगा ये पानी तब हम इसमें पापड़ डालेंगे। 1 पापड़ है बड़ा साइज का, इसको हमने सेक लिया और तोड़ लिया है। आप चाहे तो कच्चा पापड़ भी डाल सकते हैं इसमें। अब हम मीडियम हीट पे इसको पापड़ को अच्छे से बॉईल करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जिससे ये पापड़ जो है मसाला सोख ले और सॉफ्ट हो जाए। बिना ढके इसको पकाएंगे हम। जब इसमें अच्छे उबाल आ जाएगा तब हम इसमें 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी भी हो जाएगी और पापड़ वैसे भी धीरे धीरे करके पूरी ग्रेवी सोख लेता है, इसलिए आप इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना करें उबाल के। ये देखिए ये अच्छे से उबल चुका है, हमारी रेसिपी तैयार है। अब हम इसको एक बोल में सर्व कर लेंगे। आपने देखा कितना आसान है बनाना और कितनी जल्दी बन जाता है ये, 5 मिनट भी नहीं लगते इसमें पूरे बनने में। देखिए हमारी रेसिपी तैयार है, हरे धनिया से गार्निश करेंगे। देखिए कितनी आसानी से जल्दी बनने वाली रेसिपी है। कभी भी इमरजेंसी हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ऐसे भी करें, बहुत टेस्टी बनती है, इंस्टेंट रेसिपी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ वीडियो शेयर करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और इसी तरह से हमारा वीडियो देखते रहें। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।